हेलो एवरीवन, जायका स्वाद किचन में आप सभी का स्वागत है। जायका स्वाद किचन में आज हम बनाने वाले हैं मिनी पिज्ज़ा। बहुत ही आसान ट्रिक से आज हम इसे बना रहे हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टॉपिंग। टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है 1 टेबलस्पून। उसके बाद उसमें हमने डाल लिया है बारीक कटा लहसुन। इसी में हम ऐड कर लेंगे बारीक कटा प्याज। 1 बारीक कटा प्याज मैंने यहाँ पर डाल लिया है। इसमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इन्हें भूनना है, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना हमें इसे। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 1/2 कटोरी टोमेटो सॉस। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर सेजवान की चटनी मैं इसमें डालूँगी। अगर सेजवान चटनी आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, 1/4 कप लिया है मैंने। इसे भी डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर टोमेटो सॉस में ऑलरेडी मीठा टेस्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर चीनी नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद में ऑरिगेनो डालेंगे हम छोटा सा, 1 छोटी चम्मच। नमक डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी सॉस रेडी हो गई है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन, 1/2 कटोरी मैदा, 1 काली मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ले लूँगी मैं, और चिली फ्लेक्स लिया है मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल लिया ऑरिगेनो। ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। नमक डाल लेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। इसमें पानी डालते हुए मैं इसका अच्छे से बैटर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है हमें इसका। ये देखिए अच्छे से बैटर रेडी हो गया है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है हमें इसमें, बेकिंग पाउडर डाला है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना मैंने बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब हमारा बैटर रेडी हो गया है, अब हम इसे रख देंगे साइड में। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ब्रेड। ब्रेड के हम गोल स्लाइसेस कट कर लेंगे। कटोरी की सहायता से मैं कट कर रही हूँ। इन्हें हमें गोल साइज में कट कर लेना है। पिज्ज़ा के जो हम छोटा मिनी पिज्ज़ा बना रहे हैं उसके लिए मीडियम साइज में गोल कट कर लेंगे इसे। उसके बाद मैंने यहाँ पर तवे पर हल्का सा तेल डालकर गर्म कर लिया है, और हमने जो बैटर बना के रखा था ना, उसके छोटे छोटे हम यहाँ पर चिल्ले की साइज, जो हमने ब्रेड की गोल स्लाइस कट किए ना, उसी साइज के हम यहाँ पर गोल छोटे छोटे हमें चिल्ले बना लेना है इस पर। ये बैटर डाल लिया मैंने इस पर तवे पर। उसके बाद हमने जो ब्रेड को गोल स्लाइस कट किए हैं उन्हें हम इन बैटर के ऊपर रख लेंगे। अच्छे से इन्हें रख लेंगे, इन्हें अच्छे से प्रेस करते हुए हमें, बस इन्हें अब अच्छे हल्के हल्के हाथों से हमें इस पर प्रेस कर देना है, और 2 मिनट के लिए इसे सिकने देंगे। अब पलटा देंगे हम इन्हें। ये देखिए कितना क्रिस्पी बन गया है पीछे से, बिल्कुल पिज्ज़ा बेस जैसा लग रहा है ना। अब हम इस पर जो हमने सॉस बनाकर रखी है वो सॉस लगा लेंगे। हमारा पिज्ज़ा बेस तो बिल्कुल रेडी हो गया है, उस पर हमें ये सॉस लगाकर अच्छे से हमें पिज्ज़ा तैयार करना है। अभी ये छोटे मिनी पिज्ज़ा जो होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और झटपट से बनकर रेडी भी हो जाते हैं। बस इसी तरह से हमें सभी छोटे मिनी पिज्ज़ा पर लगा लेना है सॉस। उसके बाद जो हमने यहाँ पर चीज़ को ग्रेट करके रखा है, अब हम यहाँ पर चीज़ हर पिज्ज़ा के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। देखिए यहाँ पर चीज़ मैं अच्छे से फैला लूँगी पिज्ज़ा पर। चीज़ का जो टेस्ट होता है ना पिज़्ज़ा पर, ज़रूरी होता है, इसलिए चीज़ आप ज़रूर डालें।
देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हमारे पिज्ज़ा। अब इस पर हम डालेंगे सब्जियाँ, शिमला मिर्च को मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे गोल साइज में कट कर कर भी रख सकते हैं इसके ऊपर। बस अब हमने इस पर अच्छे से रख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर टमाटर के जो हमने टुकड़े कट करके रखे थे, टमाटर भी हम इस पर ऊपर सजा लेंगे। टमाटर के भी आप गोल स्लाइस कट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक टुकड़ों में कट किए हैं। इसके ऊपर प्याज भी डाल लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर डालना है ऑरिगेनो, ऑरिगेनो ऑप्शनल है। उसके बाद में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। और ये जो हम डालते हैं ऑरिगेनो, उससे डेकोरेशन भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद में हम डालेंगे इसके ऊपर काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने डाल दिया है बटर। जो ब्रेड लगाए हैं पिज्ज़ा के ऊपर, उसके लिए ब्रेड सिकने के लिए हमें बटर डालना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे जो ब्रेड है सिक जाए। उसके बाद हम 5 मिनट के लिए इन्हें ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए 5 मिनट कम्प्लीट हो गए हैं। ये देखिए हमारे पिज्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने टेस्टी पिज्ज़ा बने हैं हमारे। मिनी पिज्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये झटपट से बनकर रेडी भी हो जाते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से हमने बना लिए मिनी पिज्ज़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप लोग इसे घर में ज़रूर बनाइए। और कैसी बनती है ये पिज़्ज़ा रेसिपी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।